तो जी पहले ये थोड़ा बहुत हो जाए सेलिब्रेशन। गोल्डन के पे मैं गिव अवे करने वाला हूँ अपना पर्सनल बैग, और ये है वो भाई जिनको आज ये बैग मिल गया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो जी दोस्तों, कल हमारी डेली व्लॉग की स्ट्रिक टूट गई। 33 डेज में मैंने 33 व्लॉग्स बनाए थे, वो कल टूट गई। मैंने आपको पहले ही बोला था थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैं कल व्लॉग नहीं बना पाया। तो जी आज के व्लॉग की बात करते हैं। तो आज के व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने गिव अवे अनाउंसमेंट किया था उसका विनर कौन है। तो जी फाइनली चूज़ हो गया एक बंदा, वो गांधरबल साइड से, वो आज आ रहा है बैट लेने। बैट बिल्कुल तैयार है, जैसे कि आप सबको पता ही है विनर एक ही है और मुझे भी एक ही चूज़ करना पड़ा। और आज इस व्लॉग में थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन भी करेंगे। और कल मैंने व्लॉग नहीं डाला, बहुत सारे लोगों ने डीएम किया और भाई व्लॉग कहाँ है, तो थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। फिलहाल वो भाई आ रहे हैं बैट लेने, तब तक आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना, शुक्रिया। ए फ्यू मिनट्स लेटर। तो जी दोस्तों, फाइनली वो भाई आ गए जो कि गिव अवे के विनर है, वो अभी यहाँ पर बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जी इनके फ्रेंड्स है, आपका नाम क्या है भाई? एजाज। कहाँ से हो आप? बाहर से। तो आप कैसे फील कर रहे हो? बहुत ही अच्छा। मतलब आप गिव अवे के विनर हो? जी बहुत ही अच्छा, और बहुत ही खुश लगा यहाँ आके आपसे मिलके, बहुत ही अच्छा लगा। तो जी अभी आपको बैट मिलने वाला है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। मैं आपको कैसे बताऊँ मेरी फीलिंग्स कैसी है। जब मैंने आपको कल फोन किया, मैसेज किया आप विनर हो, कैसी फीलिंग हुई? बहुत ही बहुत। मैं मुझे कल नींद ही नहीं आई रात को, मैंने आपको कल मैसेज भी किया था, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। नींद इसलिए नहीं आ रही थी बल्कि खुशी थी बहुत। भाई आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपको? बहुत अच्छा। तो जी विनर हो गए, तो इनको अभी बैट देने वाला हूँ। तो जी इंशाल्लाह जब नेक्स्ट गिव अवे होगा, उम्मीद है कि आप में से भी कोई वो जीत लेगा। तो जी दोस्तों, ये रहा वो रिवार्ड जो कि इनको आज मिलने वाला है मेरी तरफ से। तो जी दोस्तों, मैंने प्रॉमिस किया था कि 200 के पे मैं गिव अवे करने वाला हूँ अपना पर्सनल बैग, और ये है वो भाई जिनको आज ये बैग मिल गया। ये लीजिए भाई। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। बस ऐसे प्यार करते रहना, इंशाल्लाह मैं इससे भी बढ़िया गिव अवे दूंगा अपने सब्सक्राइबर्स को। और मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि इंशाल्लाह एक मीटअप भी होगा। फिलहाल इन भाई के लिए ये मेरे लिए गिव अवे था, और ये मतलब इनकी कमेंट ने मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश कर लिया। इनकी कमेंट मैंने जैसे ही देखी, मैंने इनको बोला कि आप अपना नंबर सेंड करो, उसके बाद उन्होंने नंबर सेंड किया, मैंने इनसे कॉन्टेक्ट किया और ये आए और इनका बैट मिल गया। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, भाई भाई का दिल बहुत ही अच्छा है, उसको खूब सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ये बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच, लव यू लव यू। जी दोस्तों, मैं बैठा था यहाँ से, मम्मा और बड़े भाई आ गए, बोला हमारे साथ आ जाओ लाल चौक। पता नहीं क्या मसला है, एस्क्यू करने का। सुन भाई, हैं बाइक लानी है भाई। किसको लानी है? इसको ओ कैसा है आज ड्यूटी पार्टी नूर सब पार्टी का दो राशन। जी मम्मा भी है, तो इनको बाइक लानी है, मम्मा को भी कुछ लाना है, और मुझे क्या, मुझे पार्टी मिलेगी। किनस मम्मी पार्टी दे भाई आज के आराम से पार्टी दिन खतर बचे। अभी बाइक देख रहे हैं, ओहो नई पल्सर देखो, ये वाली उठाओ भाई, ओहो ये जबरदस्त बाइक है भाई। ये पल्सर की नई मॉडल आई है, ये कौन सी सी अखी है जी। भैया के दोस्त ने अब ये वाली बाइक चूज़ कर ली, पल्सर की 150cc डबल डिस्क है इसको, लेकिन इसकी डिलीवरी आज नहीं लेनी है, दो दिन के बाद डिलीवरी लेनी है। तो जी ये भी अच्छी है, ये उसकी अपनी पसंद है, मुझे तो ये वाली पसंद आई थी, ये भी ठीक ठाक है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, अभी मम्मा को कुछ लेना है, वो काम भी ख़त्म करते हैं। जी गाइस, मैं आया था यहाँ पे 200 के सेलिब्रेशन करने, लेकिन यहाँ पे पोपट हो गया, भाई ने गलत जगह पे गाड़ी पार्क लगा दी और हमारा चालान कट गया। नूर साहब एम एस वनिया ने मैं चला फोन है गाड़ी सही ये लो पाई छे असा पार्किंग छन कारण है, तू क्या इस करा पार्क आता आई नी चुना खेल छना मत आ छु बनो मत दिया ते छना मु छना कई में एम जे आप चत गवे चलावे क्या छु करा। वो तो सही बात है, लेकिन चालान कटवाया मुकर में तेमी जोर पार आता आई ना जुतो तमे सरा पाई ते तो आता जुतो सही गो चालान तमे स्कोर में वो जोर पार तमे से या गो चालान है रिस्पेक्ट करियो यार मैं कोन मुछु अल्हम्दुलिल्लाह लाल चौक से मैं घर वापस आ गया और खाना भी मेरा हो गया। और अभी देखिए स्कूल से कौन आ गया। अब क्या करना है? केक लाना है। नहीं नहीं केक गलत होता है, मत करो यार, एक दिन होता है सेलिब्रेशन का, ओके मैं आपको कुछ भी खिलाऊंगा, बोलो। नहीं नहीं मुझे केक चाहिए, छोटा सा लाएगी, चलो सेलिब्रेशन।
तो ये जिद कर रहा है, बोल रहा है छोटा सा केक लाएंगे, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन YouTube YouTube लोगो वाला इस पे 200 के लिए। चलो देखते हैं कैसा मिलेगा। तो अब इसकी जिद के लिए, वरना मुझे कोई भी इंटेंशन नहीं था। तो जी अभी जाएंगे हम शॉर्ट में, उधर से लाएंगे केक और थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन करेंगे क्योंकि 200 के है। और आज मैंने दिया उसको बैग। किसको? वो आया था लड़का, झूठ, अल्लाह की कसम। वो देखोगे ना ब्लॉग में। फिलहाल हम जाते हैं और देखते हैं कौन सा केक लाएंगे। जी शॉल्टिंग चौक हम पहुंचे, यहाँ से हम केक लेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह केक ले लिया, अभी घर जाते हैं फिर अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं। आजा भाई। तो जी दोस्तों अभी हम सेलिब्रेशन कर... ये क्या कर दिया भाई, दिखाओ कैसा केक बनाया। ओ भाई साहब बहुत जबरदस्त। हमने छोटा ही लाया, जैसे कि मैंने आपको बोला छोटा ही लाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई खाने वाला भी नहीं है, ये इसको खाना है अकेले। दोस्तों ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। आज हम 200 के केक काट रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से 300 का भी काटेंगे। बस ऐसे सपोर्ट करते रहे और 1 मिलियन का भी। फिलहाल अरफात और मैं और सीरत केक काटेंगे, उसके बाद घर वालों को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मुझे ये मतलब ये नहीं करना था लेकिन इसने नहीं माना। Yes. तो अभी थोड़ा बहुत तो बनता ही है, तो इसको करेंगे अच्छे से सेलिब्रेट, उसके बाद सबको देंगे। तो जी अभी हम केक काटने वाले हैं, मम्मा भी इधर ही है लेकिन वो साइड में। मम्मी चटवे बिस्मिल्लाह करिए। तो जी पहले ये थोड़ा बहुत हो जाए सेलिब्रेशन। चलिए काटिए आप। तो जी आप काटने वाले 200 के। डर रही है। रुको ले लो। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन हम लोगों ने कर लिया फैमिली के साथ, और आप भी तो मेरी फैमिली हो, हम सब एक ही फैमिली है, आप लोग कितना प्यार देते हो। तो जी दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। और गिव अवे का विनर भी आज अनाउंस हो गया, और बाकियों ने भी कमेंट्स कर लिए। देखिए मैंने आपको पहले बोला था विनर एक ही है, और इसकी जो कमेंट थी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, इसलिए भाई इन्हीं को देना पड़ा। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी नेक्स्ट गिव अवे होगा, उसके लिए आप पार्टिसिपेट करना। मैं कोई क्राइटेरिया नहीं रखता हूँ, जिसकी किस्मत में होता है उसको मिल जाता है। बाकी अब इसको एडिट करते हैं, जल्दी से अपलोड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।